हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग। ना दिन निकल आया, मुझे उठाया नहीं। आज आपकी छुट्टी है ना, तो मैंने सोचा आपको आराम करने दे। चाय पियोगे? हाँ, चाय पिला दो। अब भी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। काम आप ज्यादा करते हैं, आराम की जरूरत आपको ज्यादा है। अरे मेरा काम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लगता है। लाशें वाला क्या तकलीफ देंगी किसी को, पड़ी रहती हैं चुपचाप। आप भी ना, क्या सारे फॉरेंसिक डॉक्टर आपके जैसे ही होते हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, लाशों के साथ रहना आसान है, कम से कम पूरा दिन बोलती तो नहीं रहती। तो जाओ जाके अपनी पहली बीवी के साथ जाके आराम करो। हॉट टब तैयार करके रखा है मैंने, आप जाके उसमें आराम कीजिए और फ्रेश होके आइए। मैं भी जल्दी से तैयार होके आती हूँ, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। बस तो मैं यूं गया और यूं आया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हैं आप? वो तो खाने के बाद पता चलेगा। पापा, पापा, केशव, केशव, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, केशव, पापा, केशव, क्या हुआ? यार ये पानी पूरी आज जो हम खा रहे हैं ना, इसने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। ऐसा क्या कर रहे थे कॉलेज में सर? अरे पंकज, हम कॉलेज के अपने मेडिकल कॉलेज के जितने भी बैचमेट थे ना, जिगरी यार, हफ्ते में एक दिन भाई बैठ जाते थे टेबल लगा करके और शर्त लगाते थे एक मिनट में कौन कितनी ज्यादा तीखी और कितनी ज्यादा पानी पूरी खाएगा। अरे यार एक मिनट, ये देखो कॉलेज के फ्रेंड का नाम लिया और कॉलेज के फ्रेंड का फोन आ गया। हेलो, हाँ केशव। भाई साहब हेल्प कीजिए। मानसी, कुछ कीजिए भाई साहब, प्लीज हेल्प। बात क्या है मानसी? उनकी डेथ हो गई। मानसी, 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 क्या हुआ? मैं किचन में थी और केशव बाथरूम में थे। बाथरूम में? और फिर जोरों की आवाज आई। सारे में पानी फैला है, संभाल के। सर ये पीठ पे तो निशान है लेकिन ब्लीडिंग कहाँ से हुई है? निशान तो बहुत गहरे हैं लेकिन कहीं घाव तो दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, बॉडी को लैब में ले जाकर देखते हैं। तुमने क्या देखा, क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? एक्चुअली सर, मैं, मॉम और रतन, हम तीनों हॉल में थे, अचानक से जोरों की आवाज आई जैसे बॉम्ब फट गया हो। हम तीनों बाथरूम की तरफ भाग कर आए और देखा कि बॉम्ब फट गया। अगर बॉम्ब फटा होता तो यहाँ पे ये सब टूटा फूटा होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सर शायद ब्लास्ट की वजह से ये पानी यहाँ पर ऐसे बिखरा है। लेकिन पूर्वी, यहाँ पर ब्लास्ट का तो कोई निशान ही नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कौन कौन कर सकता है? आई मीन केशव जी का कोई दुश्मन, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर पापा ने कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। वो एक सक्सेसफुल FMT डॉक्टर थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, दुश्मनी तो दूर की बात है, वो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। मानसी चिंता मत करो, जिस किसी ने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा वादा है तुम लोगों से, हम लोग उसे ढूंढ कर रहेंगे और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
हसन के कुछ मिला? सर केशव जी की रीढ़ की हड्डी टूटी है और इंटरनल ऑर्गन्स भी बुरी तरह से डैमेज्ड है। ये बाथटब में बैठे बैठे इतनी बड़ी इंजरी? बॉस, केशव को जिस तरीके की चोट आई है ये बिल्कुल ऐसा झटका है जैसा कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से होता है। अरे सर, हम लोगों ने पूरा एरिया चेक किया था, आप भी तो थे वहां पे। बॉम्ब ब्लास्ट जैसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ मानता हूँ वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है बॉस, इसकी ये चोटें बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही। यानी कैसे हो सकता था उनके? जब वहां पर बॉम्ब था ही नहीं तो ब्लास्ट होगा कैसे? यार इनकी इनकी रीढ़ की हड्डी जिस एंगल से टूटी है उससे बात साफ है कि इंपैक्ट हो या ब्लास्ट, जो भी है वो इनके नीचे से हुआ है, पानी में से। ये बात टब के पानी की केमिकल एनालिसिस। आपको उस पानी में कुछ मिला? हाँ, मिला, बहुत कुछ मिला है पानी में। इसका पसीना मिला है, इसके शरीर के बालों के अंश मिले हैं, शैंपू से नहा रहे थे उस शैंपू के अंश मिले, इनके बॉडी के स्किन सेल्स मिले, इनके बॉडी के बाल। मुझे लगता है तो अब भी गलती कर रहा है, तो फिर से चेक। नहीं बॉस, फिर से की कोई जरूरत नहीं, मैं 100% श्योर हूं ये जो कुछ हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ है, बस दैट्स इट। ये इन्वेस्टिगेशन तो बंद कर। मतलब ये कि तू उस मनस्थिति में नहीं है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की। अभिजीत दया, डॉक्टर केशव का इन्वेस्टिगेशन हम लोग पूरा करेंगे। सर देख मेरी बात मान, मुझे पता है डॉक्टर केशव तेरा बहुत ही करीबी दोस्त था और तुझे CID का प्रोसीजर भी पता है। मेरी बात सुन, अभिजीत दया के साथ बैठ और केशव के बारे में जो कुछ भी जानता है सब कुछ बता दे, शायद उसमें जो कुछ ऐसी बात निकले जो आगे केस सॉल्व करने में काम आ जाए। अरे यार सर, प्लीज सालके यार मेरी बात सुन ले। ओके रेडी पंकज, केशव जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां जाकर के पूछताछ करो अच्छी तरह से, देखो कुछ पता चलता है। एक एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। नहीं यार पूर्वी नहीं। क्या कुछ मिला? सर केशव जी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं, कोई धमकी वाला SMS, कोई अननोन नंबर से फोन कॉल, कोई अनयूजुअल चीज, कुछ नहीं। यार मैं बता रहा हूँ केशव बहुत ही सीधा साधा डॉक्टर था, अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई पंगा नहीं लेता था, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता यार उसका। सर हॉस्पिटल से कुछ नहीं ना, रेडियो और पंकज दोनों को भी कुछ भी नहीं मिला। सालोंके, सालोंके कैसे हो यार, पहचाना मुझे? कौन बोल रहा है? अरे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त। क्या सालोंके अपने दोस्त को भूल गए तुम? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाना नहीं भूला। मेरा तोहफा मिला तुम्हें वो लाश। कौन हो तुम और तुमने केशव को क्यों मारा? गलत सवाल सालोंके, गलत। क्यों नहीं तुम्हें पूछना चाहिए कैसे मारा केशव को? अरे पूछो पूछो क्योंकि तुम तो वैसे भी पता नहीं कर पाओगे, तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे अपने एनालिसिस और थियरीज में कोई हिंट ढूंढने के लिए। बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता किया कि नहीं? हाँ, हॉट टब का पानी चेक किया और केशव के दुश्मनों की लिस्ट बनाई, अब तक नहीं। अरे जल्दी करो यार सालों के, क्या कर रहे हो? नॉन ट्रेसेबल कॉल था सर, मल्टीपल लोकेशंस। डॉक्टर साहब आप इस आदमी की आवाज पहचानते हैं? नहीं मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसे लगता है मैं हिंट नहीं ढूंढ पाऊंगा। हिंट तो दे दिए उसने सड़ों की, मजाक तो उड़ा रहा था लेकिन ना चाहते हुए भी उसने दो क्लूज दिए हमें। एक वो तो ये बहुत पहले से जानता है और दूसरा क्लू उस बाथटब के बारे में भी सब कुछ जानता है वो। लेकिन मेरा दुश्मन कौन है यार? सर कोई भी हो सकता है, आपने इतने क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने में मदद की, तू चाहता क्या है मुझसे? बदला, तुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि ये है कौन? पूरी मुजरिम छुप सकता है लेकिन उसने किया हुआ जुर्म कभी छुप नहीं सकता। उस बाथटब की जाके अच्छी तरह से जांच करो, केशव की मौत का राज उस बाथटब में ही है। आप लोगों ने ये टब खरीदा कहाँ से था? केशव ने खरीदा था हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट, कहाँ से लिया था मुझे नहीं पता। केशव जी के रिकॉर्ड में
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में किसी टब खरीदने का जिक्र तो है नहीं। कैश वैसे खरीदा होगा शायद। इसका बिल या रिसीप्ट कुछ है आपके पास? बिल होगा ड्रॉर में। सालूम के भाई साहब, कुछ पता चला क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? नहीं मानसी, हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ये सब कैसे हो गया? अच्छा सुनो, मैं इस टब को तो नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन इस टब का वाटर हीटर मैं लैब में ले जा रहा हूँ, उसे चेक करता हूँ तो पता लग जाएगा कि टब में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। ले जाइए टब। वैसे इस टब में कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या? क्या प्रॉब्लम थी? सर, कुछ दिन पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया था, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी फॉल्ट आ गया था, और सर टब में भी फॉल्ट आया था। तो फिर ठीक किसने किया? केशव ने शोरूम में फोन किया था, फिर एक टेक्नीशियन घर पे आया था। तो क्या उसने रिपेयर कर दिया? हाँ, उसी दिन रिपेयर कर दिया था। एक्चुअली अभी मुझे याद आया कि रिपेयर होने के बाद पहली बार केशव ने उसे यूज किया था। विशाज सेरेमिक्स। हाय सर, आई एम भूषण, आई एम द स्टोर इंचार्ज, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मिस्टर भूषण, आपके यहाँ से खरीदे हुए एक बाथ टब में किसी की मौत हो गई है, उसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। आपके यहाँ पे कोई कंप्लेंट आई थी क्या डॉक्टर केशव के यहाँ से? डॉक्टर केशव? हाँ सर, आई थी। तो कंप्लेंट आने के बाद क्या किया आपने? हमारी जो कंपनी की प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मैंने फैक्ट्री आउटलेट में इन्फॉर्म कर दिया था, और वहीं से वो लोग आगे टेक्नीशियन डिप्यूट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बाथटब के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? कैसे काम करता है ये? श्योर सर। नवीन सर, एक मिनट प्लीज, सर को बताइए बाथटब के बारे में। हेलो सर। सर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट के हॉट टब्स हैं, मार्केट में मिलने वाले किसी भी हॉट टब से कहीं ज्यादा एडवांस। सर, इसके अंदर एक मेटल रॉड होती है जिसका टेम्परेचर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको पानी गर्म या ठंडा मिलेगा। इज इट पॉसिबल कि किसी वजह से ये टब ब्लास्ट हो जाए? ब्लास्ट नहीं सर। नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है? नहीं सर, इनका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि इनमें ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। सर, इसमें हीटिंग और कूलिंग टैंक्स दोनों अलग अलग हैं, जिसमें एक ही रॉड से पानी जाता है। अगर किसी को एक्स्ट्रा हॉट या एक्स्ट्रा कूल पानी चाहिए हो तो ये रॉड काम करना बंद कर देती है, और पानी फिर वाटर टैंक से एक्टिवेट हो जाता है। सर, केशव सर के बारे में सुन के बुरा लगा, वो हमारे पहले दो कस्टमर्स में से थे जिन्होंने ये बाथटब्स खरीदे थे। दो कस्टमर? हाँ सर, डॉक्टर केशव के साथ आए थे और वो भी डॉक्टर ही थे। उनके डिटेल्स मिल सकते हैं? श्योर सर। डॉक्टर अशोक, खेतान रोड, बंगलो सी 165। सर, इत्तेफाक से दोनों ने बाथटब एक ही दिन खरीदे थे, और दोनों में प्रॉब्लम भी एक ही टाइम पर आई थी। डॉक्टर अशोक के यहाँ से भी कंप्लेंट आई थी? कौन टेक्नीशियन कौन गया था वहां पे? सर, वो तो फैक्ट्री में पता होगा। फैक्ट्री कहाँ है आपकी? हाँ अभिजीत। सालूके साहब, वो हॉट टब डॉक्टर केशव के अलावा एक और डॉक्टर ने खरीदा है। किसने? डॉक्टर अशोक ने। डॉक्टर अशोक ने? अरे यार, वो तो मेरा कॉलेज का बैचमेट था। आपका बैचमेट? सर, सर हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर अशोक के यहाँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके। क्या हुआ सर? उनकी बस वो अभिजीत का फोन था, वो कह रहा है कि डॉक्टर केशव के साथ साथ डॉक्टर अशोक ने भी वो बहुत बात ठप खरीदा था। मैं काम करता हूँ, अशोक को ट्राई कर रहा हूँ। पापा वे, मुझे ना अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाना था। मैंने खाना बना दिया है और घर भी साफ कर दिया है, सब काम कर दिया है। आपका वो ठंडे पानी का टब है ना, वो भी सब भर के रख दिया है साहब। मैं जाऊँ साहब, बहुत देर हो रही है। कल टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ।
से। अशोक जी सर, गाड़ी तो बाहर खड़ी है, अंदर ही होंगे। दरवाजा खोलो जल्दी। अशोक जी, अशोक, ये तो मर चुके हैं। इनके साथ भी वही हुआ जो डॉक्टर केशव के साथ हुआ। इनके पीछे तो कोई घाव है नहीं सर, फर्श पे भी इतना पानी नहीं है। My God, इसका मतलब यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ है, इनकी मौत किसी और वजह से हुई है। सारों के साहब को बताना होगा कि इनके एक और दोस्त की मौत हो गई है। My God, अशोक, आज यहाँ पे क्या हुआ था? आप जो भी बता सकती हैं बताइए। मुझे आज अपने बेटे को स्कूल से जल्दी लेने जाना था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, ताकि साहब आएंगे और मैं अपने बच्चे को लेने चले जाऊंगी। हमारे साहब को ठंडे पानी के टब में बैठना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने जल्दी से ठंडे पानी का टब तैयार कर दिया, ताकि साहब आए और मुझे जल्दी से जाने दे। वो टब आपने तैयार किया था, कैसे कैसे तैयार किया? सर, मैंने टब को पानी से भर दिया और उसे ठंडा करने के लिए रिमोट का हरा बटन दबाया, बस। शायद उसी ठंडे पानी ने अशोक जी की जान ली है। बॉडी भी काफी ठंडी थी। मुझे लगा कि इतने दिनों के बाद साहब ठंडे पानी के टब में बैठेंगे तो खुश हो जाएंगे। इतने दिनों के बाद मतलब? सर, वो टब थोड़े दिन से खराब था, शायद कुछ बिजली का प्रॉब्लम था उसमें। वोल्टेज फ्लक्चुएशन जैसे केशव जी के घर में हुआ था। जरूर किसी ने दोनों के घर के इलेक्ट्रिक बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की है। टेक्नीशियन फैक्ट्री वाला भेजता है ना, वहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। विशाख स्टोर्स के मैनेजर भूषण ने यहाँ का पता दिया है। हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातचीत करनी है। कैसा केस सर? एक्चुअली विशाख स्टोर में पिछले कुछ दिनों में दो कंप्लेंट हुई है। ये जो बाथटब है ना, हॉट बाथटब, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। दोनों बाथटब के ओनर की मौत हो गई। और शायद उन दोनों के घर पे आपके यहाँ से एक ही टेक्नीशियन गया था, हमें उनसे मिलना है। शाम गया था, एक मिनट बुलाता हूँ। हेलो। हाँ जी, शाम को अंदर भेजिए। सर, शाम तो दो तीन दिन से आ ही नहीं रहा है और उसका फोन भी बंद है। ओके सर, शाम दो तीन दिन से आ नहीं रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये दोनों जगह पे शाम ही गया था? हाँ सर, दोनों जगह पे शाम ही गया था, क्योंकि हमारे कस्टमर लिमिटेड है और कंप्लेंट तो आते ही नहीं, तो हमारा एक ही टेक्नीशियन सब जगह जाता है। आप जरा शाम का एड्रेस दीजिए। अटारिका, क्या पता चला? सर, ये डॉक्टर अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह हाइपोथर्मिया, यानी किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाना। मतलब डॉक्टर केशव की जैसे मौत हुई उससे बिल्कुल उल्टा? ऐसा ही कुछ, शॉक फ्रीजिंग, बॉडी हीट इंस्टेंटली कम हो गई। जब पानी इतना ठंडा था तो डॉक्टर अशोक पानी में क्यों बैठे रहे, बाहर क्यों नहीं निकले? सर, यही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है और सर को भी। क्या हुआ? इन दोनों वाटर टैंक्स को मैंने अच्छी तरह से खोल के पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट है, एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न। इन दोनों में पानी गर्म भी हो सकता है और पानी ठंडा भी हो सकता है। मतलब सालू के साहब खूनी टब का फायदा उठा रहा है, टब के साथ जरूर छेड़छाड़ की होगी उसने। छेड़छाड़ हुई है फ्रेडी, बहुत छेड़छाड़ हुई है, लेकिन टब के साथ छेड़छाड़ इन वाटर टैंक्स के साथ हुई है। वाटर टैंक्स जो रिमोट दबाते ही एक्स्ट्रा हॉट या एक्स्ट्रा कोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बॉस। केशव के केस में
उसका वाटर टैंक ब्लॉक हो गया था, या यूं कहें कि ब्लॉक कर दिया गया था, उसके वॉल्व को बंद कर, मतलब उसके टैंक में पानी जाए ना। बिल्कुल, और फिर उसके टैंक में पानी की जगह कोनी ने कुछ और रख दिया। क्या था उसमें? ये सिलेंडर बॉस, इस सिलेंडर में कुछ ऐसा था कि जैसे ही उसने वाटर टैंक का ये हॉट वाला बटन दबाया, इस सिलेंडर में से कुछ निकला, टब में गया और बूम, एकदम ब्लास्ट। लेकिन वही बात हो गई सर, इस सिलेंडर में ऐसा क्या था कि ब्लास्ट भी हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ केशव जी की जान चली गई? वही तो पता नहीं चल रहा है यार, गया वही तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात है, इस सिलेंडर में एक खासियत है, कितना भी हाई टेम्परेचर हो ये सिलेंडर बर्दाश्त कर सकता है। सर के जो डॉक्टर केशव की मौत इसकी वजह से हुई है, लेकिन डॉक्टर अशोक की मौत कैसे हुई? वैसे ही जैसे केशव की मौत हुई, इसके भी वाटर टैंक ने छेड़खानी, लेकिन इनके वाटर टैंक के मैकेनिकल सिस्टम को कुछ ऐसा बदला कि इनके वाटर टैंक का पानी एकदम ठंडा होगा, 0 डिग्री से भी ज्यादा नीचे। यार फिर वही सवाल, अगर पानी इतना ठंडा था तो डॉक्टर अशोक उस पानी में बैठे क्यों रहे, बाहर क्यों नहीं निकले? यही तो नहीं पता चल रहा यार, आई जस्ट डोंट नो ये बाहर क्यों नहीं निकला। लेकिन अगर खूनी चाहता तो डॉक्टर केशव और डॉक्टर अशोक दोनों को एक ही तरीके से मार सकता था, लेकिन एक को गर्म पानी में, दूसरे को ठंडे पानी में, साबित क्या करना चाहता है? मुझे नीचे दिखाना चाहता है, बेइज्जती कर रहा है वो मेरी, वो ये साबित करना चाहता है कि डॉक्टर सालूके कुछ नहीं कर सकता है। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ये शाम को कब से जानते हैं? काफी समय से, बहुत अच्छा लड़का है, किराया हमेशा टाइम पर देता है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और माँ बाप से तो बहुत प्यार करता है, पर आजकल के बच्चे तो। एक्चुअली हमें शाम से कुछ अर्जेंट काम था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? तो मुझे याद नहीं, मगर इट्स ओके। इन तीनों की फोटोज के घर पे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लगता है आपका अच्छा बच्चा असलियत में काफी बिगड़ा हुआ है, उसके माँ बाप का नंबर है आपके पास। क्या हो सकता है उस सिलेंडर में? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। हेलो डॉक्टर साळुंखे, कौन बोल रहा है? अरे इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं अभी तक? तुझे मैं जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा ना, मुझे नींद नहीं आएगी, समझा? अरे लगता है आप केस को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में, इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है डॉक्टर साळुंखे। अरे मेरी मानिए तो घर जाकर थोड़ी देर के लिए अपने बाथटब में आराम से रिलैक्स कीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। बाथटब तो होगा आपके घर में या मैं मंगवाऊं? तुम जो कोई भी हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे दोस्तों की जान ली है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो आपको पता चल गया कि आपके दोस्त की मौत मेरी वजह से हुई है, लेकिन आप ये बात प्रूव कैसे करोगे? अरे तेरी दुश्मन ने मुझसे है ना, तो मुझसे बता ले, मेरे दोस्तों को क्यों मार रहा है तू? मुझे मारना, मेरे सामने आ, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा, समझा? तू जा, चाहे छिप जा, लेकिन सालू के तुझे ढूंढ कर करेगा, समझा ना? मैं तुझे ढूंढ कर करूंगा। अरे छिपना कौन चाहता है, मैं तो रोज आपका इंतजार करता हूँ उसी जगह। कौन सी जगह? Come on, डॉक्टर साळुंखे, आप CID के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, इतना तो पता कर ही सकते हो, और जब पता चल जाए ना तो आ जाना अकेले, वरना याद रखना CID में भी काफी दोस्त हैं आपके।
हेलो हेलो मिस्टर भोसले जी, बोल रहा हूँ। आप श्याम के पापा है ना? हाँ जी, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। दरअसल हमें श्याम के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, हमें लगता है कि श्याम की जान खतरे में है। ये आप क्या बोल रही है? देखिए आप घबराइए मत, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। बस इतना बताइए कि वो है कहाँ। मैडम अभी तो मुझे पता नहीं वो कहाँ गया है। आपको कुछ नहीं पता? ठीक है, देखिए अगर आपको शाम फोन करता है या आपको उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप हमें इस नंबर पर फोन करके बता दीजिए। मैडम पर मेरे बेटे को कुछ खतरा तो नहीं है? उसे कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज मत घबराइए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। इसके पापा तो काफी डरे हुए हैं। अगर बेटा ऐसा हो तो माँ बाप की नींद तो हराम होगी। क्या लगता है सारी जगह छोड़ के यहाँ आके छुपा होगा? इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने जो कुछ भी कहा था पूर्वी से, अगर वो सही है तो ये शाम अपने माँ बाप से दूर तो नहीं जाएगा। कब तक छिपेगा तू? कब तक छिपेगा? छिपेगा मैंने सी हमक टेंशन में ये बात तो दिमाग में नहीं आई तारिका कि नमक के पानी से भी ब्लास्ट किया जा सकता है। उस केशव के बाथरूम के आसपास हमें कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन तारिका सबूत हमारी आंखों के सामने था पानी के रूप में। कोनी बहुत शातिर है, वो पानी की बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है। Got it! मतलब उस हीटर में पानी में घुला हुआ नमक। Exactly! और जैसे ही उस हीटर का नमक वाला पानी टैप के जरिए इस टब के साधारण पानी के कांटेक्ट में आया, ब्लो ब्लास्ट, केशव जी की रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे, तभी तो वो टूट गई। एग्जैक्टली, लेकिन सर डॉक्टर अशोक उनके पानी, आई नो इट, अब मेरी समझ में आ गया है। हो गया एक्सपेरिमेंट? ऑलमोस्ट हो गया तारिका, ये
ये देखो, ये जो बोतल का पानी है ना, मैंने 3 घंटे तक फ्रीजर में रख के इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम कर दिया है। लेकिन फिर अभी तक पानी क्यों है, मतलब बर्फ क्यों नहीं बना? यही तो ट्रिक है तारिका, यही तो ट्रिक है। 0 डिग्री टेम्परेचर से कम होने के बावजूद भी पानी अधिकतर पानी ही रहता है, तब तक जब तक उसे कोई झटका ना लगे। 1 मिनट देखो। ये देखो तारिका, ये देखो, अब बॉटल का पानी पानी नहीं रहा है, बॉटल में अब बर्फ है, बर्फ। यही हुआ था तारिका, यही हुआ था अशोक के साथ। ऐसा ही हुआ था जब वो ठंडे पानी के टप में कूदा। उसके झटके से इंस्टेंटली पानी जम गया। एग्जैक्टली। पर खूनी ने डॉक्टर अशोक को बर्फ के स्विमिंग पूल में फंसा दिया। हाँ तारिका, बेचारा अशोक बर्फ में फंस कर रह गया, चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाया। I'm sorry दोस्त, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया। तुम लोगों का कातिल अब तक जिंदा है, लेकिन दोस्तों ये सालूखे का वादा है, एक न एक दिन वो हैवान सलाखों के पीछे होगा। अरेका, खूनी ने कहा था वो मेरा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि मैं उससे मिलूं। लेकिन आप उन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं जानता हूं वो कहां पर होगा। मैं अभी सबको फोन करके। नहीं तारिका, नहीं, खूनी मुझसे अकेले मिलना चाहता है। किससे? हाँ, खूनी मुझसे अकेले मिलना चाहता है, ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अरे नहीं, व्हाट आर यू डूइंग? फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ठीक ठाक है, आज तक कभी हमारा इन्वेस्टिगेशन इतना आसान नहीं रहा था। दोनों बाथटब में प्रॉब्लम से शाम ने उसे ठीक भी किया है, और फिर शाम ही गायब हो गया। सब कुछ आके जुड़ता है इस बाथटब्स के साथ। बाथटब्स, बाथटब। ₹5 लाख का बाथटब। ₹80,000 का बाथटब। माय गॉड, हमारा इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रहा है। सर, सर, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालू के साथ किलर से मिले गए। क्या, कहाँ पर? मुझे नहीं पता सर, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया सर, और मैं कैसे वहाँ से आई हूँ उसे मुझे पता है। हेलो अभिजीत, सालू के की जान को खतरा है, वो अकेले खूनी से मिलने गया समझे। देखो तुम लोग निकलो हाईवे पर, तुम और दया, मैं तुम्हें उसका लोकेशन बताता हूँ, साउंड के फोन का ट्रैक करता हूँ मैं। ओके हाँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रहा है, सांता क्रूज की तरफ। ओके सर, हम लोग पहुँचते हैं। सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये शाम एक के बाद एक सुराग छोड़ रहा है ताकि साळुंके साहब उस तक पहुंच सके। हाँ अभिजीत, लेकिन सर साळुंके साहब तो ऐसे किसी शाम को जानते ही नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, की शाम खूनी नहीं है, खूनी तो कोई और है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमें फंसा रहा है। प्रोफेसर, ये शाम भाग क्यों रहा है? और खून अगर उसने नहीं किया तो फिर कहते क्या? जिसने केशव और अशोक को बात तब खरीदने के लिए राजी किया है वही है खूनी। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी सालों के, तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद था।
और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम यहां अकेले चले आए। हाँ, वरना तुम भाग जाते डर की वजह से। डर तो तुम्हें लग रहा है सालों के, कहीं मैं तुम्हारे उन दोस्तों को मार ना दूं, इसलिए मेरे एक इशारे पे तुम यहां अकेले चले आए। अपने दोस्तों के लिए हम कुछ भी करते हैं ना। कौन हो तुम? फिर से गलत सवाल सालुंके, तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैंने ये जो किया वो कैसे किया, कैसे मारा उस केशव और अशोक को। वो पता है मुझे, वो पता है मुझे। केशव के बाथटब के वाटर टैंक में तुमने नमक वाला पानी डाल के रखा हुआ था। जैसे ही वो पानी बाथटब के साधारण पानी से कॉन्टेक्ट हुआ, बूम, ब्लास्ट हो गया। और अशोक को तुमने ठंडे पानी में फ्रीज करके मारा है, राइट? शाबाश, गुड जॉब। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं कौन हूं? पता है तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहां काम करता हूं, और मेरे दोस्त तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें अपने दोस्तों की जान की फिक्र नहीं है, इसलिए तुमने उन्हें यहां बुला लिया। ये अलार्म सुन रहे हो ना, ये उनके अंदर आते ही बजेगा। नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, बिलीव मी, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, तो तुमने उन्हें नहीं बुलाया? नहीं। ठीक है ठीक है, तो फिर जरूर उनकी मौत यहां उन्हें खींचवाई। नहीं नहीं, देखो रो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे, उन्हें तुम कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली? चलो चलो यहां से, चलो यहां से। कैसा सर, को जाने दो। ठीक है, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन अभी इस बात की इतनी जल्दी क्या है? क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? सवाल जवाब छोड़ो, अगर डॉक्टर साहब की सलामती चाहते हो तो उधर मुझे टेबल पे ग्लास रखे, वो जाओ जाके उठा के पी जाओ। फिर इनकी सलामती चाहते हो तो अभी अभी जाके पियो उसे। एक एक मिनट। नहीं 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 नहीं, और हाँ, ले अपने हथियार इधर इस टेबल पे रख दो। कोई होशियारी नहीं। हाँ नहीं 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 नहीं, समझी नहीं, नहीं उधर नहीं 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 दया नहीं, उधर नहीं 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 दया नहीं, अभिजीत नहीं, उस ग्लास को हाथ मत लगाना, मत पीना। नहीं दया, अभिजीत नहीं, क्या कर रहे हो अभिजीत? नहीं, डोंट ड्रिंक। लो पियो अभिजीत, प्लीज पूरा पियो, पियो वरना। वो कर रहे हो तुम ऐसा? हाँ। अभिजीत, अभिजीत, दया, 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 दया। क्या पिलाया तुमने? क्या पिलाया? क्या पिलाया? बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट हो ना, जाओ कर लो पता। छोड़ूंगा नहीं, पहले छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले इन्हें तो बचा लो, बस कुछ मिनटों का खेल और, कुछ भी कर लो, ये तो गए। अभिजीत, अब पता चलेगा कि अपनी आंखों के सामने अपनों की मौत देखना क्या होता है। कन्फेक्ट साल पहले मैं भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट था। हाँ, मेरा दोस्त एक मर्डर केस में फंस गया, मैं उसे बचाना चाहता था। हाँ, मैंने उसकी झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई ताकि वो बरी हो जाए, और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को एक्सपोज कर दिया और तुम्हें जेल हो गई। तुम्हारी वजह से मुझे जेल हो गई, तुम्हारी वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत, नाम, मेरी शोहरत, मेरा सब कुछ चला गया। जिस दिन मैं जेल गया तब से सोचता था, हर पल बस यही सोचता था कि बाहर निकलूंगा तो तुमसे बदला कैसे लूंगा। लेकिन सालुंके साहब को मारने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मैं चाहता था कि तुम दोनों की मौत इनके नजरों के सामने हो जाए, लाचार बेबस ये बेटी उसी तरह देखते रहे, और इसी से मुझे खुशी मिलती।
लेकिन तुम भूल गए मेरा नाम डॉक्टर सालूक है। एक बार मैं पहले भी तुम्हें एक्सपोज कर चुका हूं और इस बार भी तुम मेरे चंगुल में फंस गए। जैसे ही तुमने इन दोनों को वो जूस पीने के लिए भेजा, मैं समझ गया कि जूस के जरिए तुम इन्हें जहर पिलाना चाहते हो। जहर का तोड़ मुझे मालूम है। मैंने वहां पर ढूंढा और मुझे वो मस्टर्ड वाटर मिल गया। मैंने कहा था ना गंगा मतलब मेरे दोस्त तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। एसीबी साहब ने हमें पहले ही बता दिया था इन दोनों मर्डर्स के पीछे तुम हो। 5 लाख का बाथटब 80,000 में बेच दिया, इतना बड़ा डिस्काउंट? अपने आप को बहुत चालाक समझते हो और इतनी बड़ी बेवकूफी। इतने सारे पैसे भरे कहां से? मैनेजर को पता नहीं चला? नहीं, वो पैसे मैंने अपनी जेब से भरे। मैं क्या करता, वो बाथटब केशव और अशोक को बेचने जरूरी थे। और उसके बाद उन दोनों के घर की लाइट काट दी ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए। और उन्हें रिपेयर करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने को शाम को वहां भेज दिया। क्यों? शाम कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने शाम के साथ भी वही किया जो केशव और अशोक के साथ किया। क्या करता? उसकी वजह से मैं खुद फंस सकता था। तुम्हें क्या लगता है तुम अब सुरक्षित हो? केशव, अशोक और श्याम, इन तीनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।